बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नहायत ही काबिल एहतराम असलम इकबाल साहब, शफकत महमूद साहब, राजा यासिर हुमायूं साहब, उमर चीमा साहब तशरीफ़ फरमाएं, ऑनरेबल मेंबर्स ऑफ द फैकल्टी, ऑनरेबल वाइस चांसलर हू हैव हैड द pleasure of knowing over the last many years, students, आप सबको मेरी तरफ से अस्सलामुअलैकुम। मैं इस मौके पे सिर्फ एक छोटी सी बात करना चाहूँगा बिफोर द ऑनरेबल चेयरमैन इमरान खान साहब तशरीफ़ लाते हैं, और वो ये है कि अगर आप किसी भी कौम का, दुनिया के अंदर आप अगर मुल्कों की तरक्की को देखें, तो जो जीडीपी ग्रोथ आती है उसका एक डायरेक्ट लिंक होता है कि उस वक़्त उस कौम की एवरेज एज और यूथ बल्ज का क्या फोकस था। इसको कहा जाता है कि यूथ बल्ज के साथ आपका ग्रोथ स्पर्ट इन लाइन है या नहीं है। चाइना हो, साउथ कोरिया हो, जिन मुल्कों ने भी तरक्की की है, उन्होंने इन दोनों चीज़ों को मद्देनज़र रखा है कि यूथ बल्ज के साथ साथ हमें अपनी इकोनॉमिक ट्रैजेक्टरी को इन लाइन करना है। जॉब्स का नंबर ऑफ जॉब्स जो बढ़ानी होती हैं वो उसी के साथ इन सिंक आती हैं। तो जिस तरह के पाकिस्तान के डेमोग्राफिक्स हैं, हमें 8 से 9% ग्रोथ मिनिमम चाहिए ताकि हम सही मानों में इस यूथ को इंडक्ट कर सकें एक मीनिंगफुल इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ये रब ताला का करम है कि इस मुल्क का फ्यूचर मुंसलिक है। इस मुल्क का यूथ अगर किसी के साथ आइडेंटिफाई करता है तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ करता है, और ये हमारे दौर के अंदर ही जो प्रोग्राम शुरू किए गए जिसमें पंजाब रोज़गार था, कामयाब जवान था, उसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूं कि एक नए प्रोग्राम की भी हम इजरा करने जा रहे थे जब ये सारा अमल, ये साजिश शुरू की गई। उसमें ये था कि दुनिया के अंदर इस वक्त पाकिस्तान फ्रीलांस आईटी के शोबे में बहुत आगे जा रहा है, मगर वो कोर्सेज, वो ट्रेनिंग, वो मॉड्यूल्स ख़रीदना, चाहे वो यूनिवर्सिटी लेवल पे हो या फ्रीलांसर्स के लिए हो, एक उसमें इन्वेस्ट करने की ज़रूरत होती है, वो लाखों में आते हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत पंजाब ने ये फ़ैसला किया था कि हम ऐसे मॉड्यूल्स को ऐसी यूनिवर्सिटीज़ के साथ एसोसिएट करके फ्री प्रोवाइड करेंगे, अपने फ्रीलांसर्स को फ्री प्रोवाइड करेंगे ताकि वो पाकिस्तान के अंदर ज़र मुबादला को ला सके, इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स को जीत सके। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि अब इस मुख्तसर पीरियड जो हमारे पास मौजूद है इसमें दोबारा हम इसको जल्दी फाल करें, क्योंकि हर लिहाज से इकोनॉमिक डिविडेंड जो यूथ के थ्रू आना है उसी ने इस मुल्क को आगे लेके जाना है। मैं आखिर में ऑनरेबल वाइस चांसलर जैदी साहब के बारे में एक आपको एक मिसाल सुनाना चाहता हूँ कि मैं एक दिन कोई मीटिंग मेरी कैंसिल हो गई सिविल सेक्रेटेरिएट के अंदर, तो मैं वॉक करता हुआ आर्काइव्स डिपार्टमेंट चला गया। तो ये वाहिद दुनिया के मुमालिक में से है जिसकी आर्काइव्स यानी रिकॉर्ड मैनेजमेंट रंजीत सिंह के ज़माने से अब तक सारी महफूज है, मगर इसको पढ़ने का डिपार्टमेंट ऑफ आर्काइव्स पाकिस्तान में, पंजाब में तो है ही नहीं कहीं। कराची में एक इंस्टीट्यूट था जिसका एक बच्चा इंटर्नशिप कर रहा था, और जब मैंने रिकॉर्ड कीपिंग की डिटेल्स देखी, क्वालिटी ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग देखा, इसकी डिजिटाइजेशन को देखा, तो मैंने रियलाइज़ किया कि हमारे यहाँ ये होना चाहिए। मैंने जैदी साहब को फ़ोन किया, जैदी साहब से मैंने गुजारिश की कि आप यू शुड कंसिडर अ डिपार्टमेंट फॉर आर्काइव्स एंड आर्ट हिस्ट्री हेयर।
और मैं बड़ी खुशी होती है, महसूस होती है बताते हुए कि विद इन सिक्स मंथ्स एफिलिएटेड विद यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन इन्होंने एक आर्काइव्स डिपार्टमेंट यहाँ पे अपनी यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में कायम किया। तो ही इज़ अ मैन ऑफ एक्शन, मुझे पसंद आई उनकी ये इनिशिएटिव और मैं उम्मीद रखता हूँ इंशाल्लाह आप द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री इज़ इन गुड हैंड्स एंड वी अशोर यू दैट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ विल टेक एवरी स्टेप टू मेक श्योर कि उसके यूथ मेक वैल्यूबल कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स द प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ पाकिस्तान। शुक्रिया।